दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के नेहरू सिद्धांत केंद्र में फैज अहमद फैज फाउंडेशन और सूफी फाउंडेशन इंटरनेशनल चंडीगढ़ की ओर से 8वें ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से प्रसिद्ध कवियों ने हिस्सा लेकर अपनी कविताओं और नज्मों के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। समारोह में पूर्व डीजीपी पंजाब ए सिद्दीकी मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे। इस दौरान आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने और एकता के बंधन को और मजबूत करने का संदेश दिया गया। इस मुशायरे में अब्दुल लतीफ शाहिद, नईम राशिद, अब्दुल अहद शाज, शाहिद लती, वरुण गर्ग, मिताब आलम, वासी फारूकी, सरदार पंची, वर्रिताज मैनी सहित और भी कई प्रसिद्ध रचनाकारों ने अपने शब्दों के हुनर से उपस्थित गणमान्य को खूब आनंदित किया। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये इंसानियत के नाम डेडिकेटेड है और हमने यौम इंसानियत आज हम मना रहे हैं। एक हादसा हुआ था लुधियाना में 2007 में, जिसमें श्रृंगार सिनेमा में एक बम ब्लास्ट हुआ था और उस दिन हमने ये फैसला किया था जो समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके सामने एक मजबूत पैगाम पेश किया जाए और उसके लिए हमने ईद, दशहरा, दिवाली एक साथ मिलकर के मनाई थी। समाज के सभी तबके के लोग आए एक साथ और हमने एक प्रोग्राम किया था, एक मुशायरा किया था जिसमें ये सभी तबके के लोग मौजूद थे। मुशायरों का या इस किस्म की जो तकरीब होती है उन सब का मैसेज होता है कन्वे द मैसेज ऑफ पीस, क्योंकि वैसे भी सूफी फाउंडेशन जो है पीस का मैसेज ही तमाम देता फिर रहा है, क्योंकि सूफियों ने ही ये टीचिंग्स और अपनी वाणी के जरिए, अपनी पोएट्री के जरिए पीस का ही मैसेज दिया है।